YouTube चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो है टाइम टेबल। यहाँ जो है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, काफी स्टूडेंट्स का जो है मैसेज आया था, ईमेल भी आई थी कि सर हमारा टाइम टेबल आप बनाए। तो यहाँ जो है मैं टाइम टेबल से रिलेटेड आपको बताऊंगा और कुछ एक टिप्स बताऊंगा स्टडी करने की, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कुछ एक टिप्स उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टाइम टेबल की। टाइम टेबल तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि दोस्तों अगर मैंने आपको टाइम टेबल बना के दे भी दिया तो क्या आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि तो मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगा वो मेरे हिसाब से बनाऊंगा। तो यहाँ जो है आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी टाइम टेबल पे भी, आपको सुबह का टाइम पढ़ना चाहिए, शाम का टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह का टाइम पढ़ा हुआ कभी भूल नहीं सकते, ये वो सारा कुछ, तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि वो सब आपको क्या बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बताता हूँ कि बेस्ट टाइम आपके लिए कौन सा होता है पढ़ने के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। एक बात तो ये है कि टाइम टेबल आप किसी दूसरे का फॉलो ना करें, खुद का टाइम टेबल बनाएं, खुद को देखें कि आप किस टाइम फ्री होते हैं और किस टाइम आप पढ़ सकते हैं और किस टाइम क्या कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं। तो पहली बात तो ये कि आपका ये डाउट दूर हो जाए कि किसी दूसरे का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है स्टडी करने का? सबसे बढ़िया टाइम वही होता है स्टडी करने का जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। जरूरी नहीं है कि सुबह का टाइम पढ़ना ही बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट वही होता है जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर मैं कह देता हूं कि सुबह का टाइम पढ़ना बढ़िया रहता है, ठीक है, आप उठे सुबह 3 बजे उठ गए, लेकिन क्या होगा, क्या पता आपको सुबह का टाइम अच्छा ना लगा हो, 3 बजे उठ तो गए बुक लेके, लेकिन आपको साथ में उबासियां आ रही है, साथ में नींद आ रही है, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उसका पढ़ने का। तो बेस्ट टाइम पढ़ने का वही होता है जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील हो। जरूरी नहीं है कि वो सुबह के टाइम हो सकता है कि आप शाम के टाइम कंफर्टेबल फील करते हो, या इवनिंग के, मैं कह सकता हूं दोपहर के टाइम आप कंफर्टेबल फील करते हो सकता है सुबह के टाइम कर सकते हो, तो कोई जरूरी नहीं है। तो आप उसी टाइम स्टडी करें जिस टाइम में आपको कंफर्टेबल फील हो। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप बुक्स लेके बैठ गए, आपने बुक पढ़ी, 3-4 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, साथ में नींद आ रही है, तो साथ में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो क्या होता है, डाइवर्ट हो रहा है दो तरफ, साथ में तो आपको नींद आ रही है, साथ में आपका जो ध्यान है किसी और है, तो या हाथ में तो बुक्स है लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, तो उसका पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर 1 घंटा भी पढ़ते हैं, 1 आवर भी पढ़ते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो क्या होना चाहिए, एकदम स्टडी के ऊपर होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल फील होना चाहिए वो पढ़ते टाइम। बस अगर आप वो पढ़ते टाइम कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपने जो 1 घंटे में पढ़ा है वो आपने 100% जो है वो क्या कर लिया, तैयार कर लिया टॉपिक, उसके ऊपर आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, 100% उसके ऊपर वो जो टॉपिक है आपका वो क्या है, तैयार है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा अगर मैं मेरी बात करूं तो दोस्तों आपको सुन के जो है हंसी आएगी, मैं कैसे पढ़ता था, मैं तो क्या करता था, ईयरफोन लगा लेता था फुल वॉल्यूम में सॉन्ग करके फिर पढ़ता था, मेरे को वैसे कंफर्टेबल फील होता था। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए तो, लेकिन आपको वैसे कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो आप क्या करोगे। तो जो है टाइम टेबल आप किसी और का फॉलो नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे ही करता था, सॉन्ग्स ला के फुल वॉल्यूम करके फिर पढ़ता था और मेरे को याद भी रहता था, क्यों, मैं उसमें कंफर्टेबल फील करता था, मेरा जो ध्यान है वो पढ़ाई में जरूर रहता था, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में दोनों तरफ रहता, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील करता था वैसा पढ़ने में, तो मेरे को तो वैसे स्टडी हो जाती थी। तो आप मेरे को फॉलो नहीं कर सकते। अगर मैं कह देता हूं कि आप ईयरफोन लगा के पढ़ो तो आपका ध्यान कहां रहेगा, सॉन्ग्स में रहेगा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ओके फ्रेंड, तो मैं यही आपको राय देता हूं कि आप किसी और का टाइम टेबल फॉलो ना करें, आप सिर्फ खुद का टाइम टेबल फॉलो करें, और आप उस टाइम सबसे ज्यादा स्टडी करें जिस टाइम आपको पढ़ने में क्या हो, कंफर्टेबल फील हो। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो 100% कह सकता हूं कि जो भी आप पढ़ते हो उसका आपको 100% बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। दूसरा जो मेन टॉपिक रहता है स्टडी के अंदर, सेल्फ स्टडी के अंदर दूसरा जो मेन टॉपिक आपका रहता है वो होता है रिवीजन।
रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, 100% कह रहा हूं कि रिवीजन अगर आपने किसी भी टॉपिक को रिवाइज नहीं किया है तो उसका जो है आपने जो पढ़ा उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। आप अगर किसी टॉपिक पे 1 घंटा दे रहे हैं, आप किसी टॉपिक पे 1 घंटा दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है तो आप कुछ टाइम के बाद, अगर आपने सुबह पढ़ा तो शाम के टाइम, तो मतलब सोने से पहले एक बार आपने जो भी पढ़ा उस टॉपिक को रिवाइज जरूर करना, क्योंकि अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रफ होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये स्टडी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन करना। अगर आपने रिवाइज नहीं किया किसी भी टॉपिक को तो उसका बेनिफिट भी आपको नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवीजन करना ना भूलें, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना रिवाइज के कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा, आप उस टॉपिक की रिवाइज करते रहोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। और 100% कह रहा हूं कि अगर आपने कोई टॉपिक एक बार पढ़ा है, अगर आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपको कुछ और सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं उसको उसने टॉपिक में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, पुराना कुछ भी सीखने को वाला नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड, तो रिवीजन करते रहें किसी भी टॉपिक की, बार बार रिवीजन करें, आपको अगर टाइम मिल रहा है तो रिवीजन करें। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कैसे करता था, मैं आपको यहां बता देता हूं। मैं क्या करता था, मैंने जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ा, मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया सारा, ठीक है, और मैं एक रफ पेज रखता था, या मैं कह सकता हूं एक खाली कॉपी रखता था, जिसके अंदर नोटबुक के अंदर मैं क्या कर लेता था, सिर्फ टॉपिक के नाम लिखता था। जैसे मैंने टॉपिक लिख लिया कुछ भी टॉपिक एक्स वाई जेड, जैसे मैंने टॉपिक लिख लिया एबीसी, ठीक है, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से बिल्कुल एकदम, और मैं क्या करता था इस बुक में अलग से इसको टॉपिक को लिख लेता था, उसका आंसर नहीं लिखता, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखता था, ठीक है। जब भी मैं फ्री होता था, जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता था, ये कॉपी लेके हाथ में बैठ जाता था। अब क्या, कुछ भी कर रहा हूं जरूरी नहीं है टीवी देखना, मैं फ्री हूं बिल्कुल बैठा हूं एकदम, मैं मेरे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर लेता था, इस कॉपी को उठाता था और देखता था कि आज मैंने कौन कौन से टॉपिक किए, और उस टॉपिक के बारे में मैं सोचता था कि हाँ उस टॉपिक में ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो मैंने क्या किया, सारा कुछ मेरे माइंड में रिवाइज कर लिया, और जहां मेरे को ये था भी हाँ यहाँ उसके बाद पता नहीं क्या था, तो उसको मैं उसी टाइम कॉपी के अंदर लिख लेता था कि इस टॉपिक में मेरे को यहाँ डाउट है, तो वो डाउट मैं क्लियर कर लेता था। तो मैं क्या करता, बिना देखे उसको रिवाइज करता था, मैंने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, तो मेरे लिए मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसा जरूर करें, आप हमेशा जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसको साइड में एक कॉपी पे लगा लें, उस पे लिखें और उसको उसके बारे में बाद में जब भी आप फ्री हो उसको रिवाइज जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बात और जो मैंने पहले भी बताई थी कि स्टडी उस टाइम ही करें जिस टाइम आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपका ध्यान कहीं और है और आप उसको जो है पढ़ते जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है और कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। एक पर्सन था जो क्या कर रहा था, जिसने वो बाहर धूप में खड़ा था सड़क पे, और उसने खाली जो है कढ़ाई ले रखी थी और उसके पास एक कड़ची थी, तो उस कढ़ाई में कुछ भी नहीं था, खाली था, उसने धूप में रख रही थी और उसको वो ऐसे घुमा रहा था कड़ची उसके अंदर। तो एक बंदा आया तो उसने देखा, देख के पता नहीं क्या कर रहा है ये, देख के चला गया। फिर एक दूसरा पर्सन आया, उसने देखा, वो भी देख के चला गया। फिर एक तीसरा पर्सन आया, उसने देखा और वो कई देर देखता रहा। उसने पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने एक बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, वो कह रहा था कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं, वो बेवकूफ बना रहा हूं, ऐसे सुन के वो चला गया। तो दोस्तों यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आप स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, मतलब या तो मैं कह सकता हूं कि आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन खाली स्टडी कर रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हो, खुद का बेवकूफ बना रहे हो, किसी और का बेवकूफ नहीं बना रहे। तो पहले बता रहा हूं, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है कहां होना चाहिए, यहां इसमें होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मतलब स्टडी के अंदर ही आपका ध्यान होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। ऐसा मत देखना कि आप किसी दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये ध्यान रखना किसी दूसरे का बेवकूफ नहीं बना रहे आप खुद का बेवकूफ बना रहे हो। जो है अगर आप ध्यान स्टडी में रखोगे तभी आपका बेनिफिट होगा, वरना आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है।
तीसरी बात जो यहां इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम मतलब अगर आप 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आप 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, आपको बीच में ब्रेक टाइम जरूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को 52 1 आवर, मैं कह सकता हूं 50 मिनट्स, क्या मैं कह सकता हूं 1 आवर, इतना ही पढ़े। और मेरे हिसाब से जहां तक 50 मिनट्स तो बहुत होते हैं कंफर्टेबल पढ़ने के लिए किसी एक टॉपिक को या किसी एक सब्जेक्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, 50 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है 10 मिनट का। 10 मिनट के ब्रेक में आप क्या करें, पानी पिए, कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, वापिस किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना है। लेकिन इस 10 मिनट के ब्रेक टाइम में आप क्या करोगे, आपको वो काम करना है जिसके अंदर आपको रिलैक्स फील हो। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में ब्रेक टाइम में, 10 मिनट का ब्रेक है तो मैं फोन यूज कर लेता हूं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये वो किसी को फोन मिलाती है, तो ये जो है वो क्या करता है, टाइम खराब करता है। जैसे फोन है, फोन ऐसा है कि अगर आपने वो उठा लिया तो जरूरी नहीं है कि ब्रेक टाइम में आपको 10 मिनट, उसके अंदर आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। क्यों, एक बार फोन उठा लिया तो मतलब उठा लिया, किसी का फोन आ गया तो आप फिर उसमें बातें लग जाए, हो सकता है 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उस 10 मिनट के ब्रेक टाइम में आपको वही काम करना है जिसमें आप फील क्या करो, रिलैक्स फील कर सको, बिल्कुल रिलैक्स एकदम। तो आपको ब्रेक टाइम में वो काम करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 चीज थी, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, दूसरा रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक टाइम में आपको क्या करना है। यहां मैं पहले बता रहा हूं किसी और का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते, आप खुद का टाइम टेबल बनाए और आप उसी टाइम स्टडी करें जिस टाइम आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जरूरी है कि सुबह के टाइम ही आपसे ज्यादा जो पढ़ा हुआ वो याद रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वो कहेंगे कि सुबह के टाइम आप जो पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा याद रहता है। मेरे हिसाब से तो आप उस टाइम आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा जिस टाइम आपका मन जो है अंदर से कहेगा कि हाँ पढ़ू, मैं इसको पढ़ू, आई फील कंफर्टेबल। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो।